अब हम स्टार्ट करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले हमने देखा कि जो सर्च एल्गोरिथम है वो किस तरह काम करते हैं, ट्रीज एंड ग्राफ्स क्या हैं और ट्रीज एंड ग्राफ को ट्रेवर्स कैसे किया जाता है। इससे पहले हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखा था हमने। अब बारी है डेप्थ फर्स्ट सर्च की। ये भी जो है ये ट्री या ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टैक के थ्रू। अब आपको पता होगा क्यू और स्टैक में डिफरेंस क्या है। क्यू के अंदर जो चीज़ पहले एंटर की जाती है वही पहले बाहर निकाली जाती है, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन स्टैक के अंदर होता है मेथडोलॉजी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे एंड पे स्टैक के अंदर ऐड किया जाएगा उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च की वर्किंग को हम देखें तो ये क्या करता है, एडजेसेंट यूनिविजिटेड वर्टेक्स को सबसे पहले विजिट करता है, उनको मार्क कर देता है एज अ विजिटेड, उनको डिस्प्ले करवाता है और स्टैक के अंदर पुश करा देता है। मींस पहले उसको जो रूट नोड मिली अपने एडजेसेंट यूनिविजिटेड वर्टेक्स को देखेगा, अगर तो वो विजिट हुए हुए हैं उनको दोबारा विजिट नहीं करेगा, अगर नहीं हुए तो वो उनको विजिट करता जाएगा और नीचे जाता जाएगा और वैल्यू उनकी स्टैक के अंदर पुश कराता जाएगा। अगर कोई एडजेसेंट वर्टेक्स फाउंड नहीं होता तो क्या करेगा, स्टैक के अंदर जो सी वैल्यू लास्ट पे होगी उसको पॉप करा देगा। इसी तरह जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक रूल वन और रूल टू को रिपीट करता जाएगा। जैसे कि हम इधर देख लें, हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें सबसे पहले एस से वो ए पे गया, ए से वो डी पे गया, डी से वो जी पे गया, जी से वो ई पे गया, ई से वो बी पे गया, फिर उसने देखा कि ई भी विजिटेड है, बी भी विजिट हो गई है, इधर आके वो बी को प्रिंट करवा देगा, उसके बाद वापस जाएगा, फिर जी से वो जाएगा एफ पे क्योंकि डी ए बी विजिट हो गया, फिर एफ से जाएगा वो सी पे और इस तरह एक्सट्रैक्ट करवाएगा। क्या क्या प्रिंट करवाएगा इसको हम एक एक्सप्लेनेशन मेथड में आगे देखते हैं और उसको आपको मैं पूरी तरह ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया इतना सा हिस्सा, हमारे हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है ये ग्राफ है, इसको हमने देखा हमारे पास एस भी है, ए भी है, बी भी है, डी भी है, सी भी है और हमारे पास ये स्टैक है जो कि अभी एम्प्टी है। हमने सबसे पहले क्या किया, एस को विजिट किया, एस को स्टैक में डाल दिया और हम चले गए ए के ऊपर। हमने ए को विजिट किया, ए को स्टैक में डाल दिया, हम चले गए डी के ऊपर। हमने डी को विजिट किया, स्टैक में डाल दिया, हम चले गए बी के ऊपर। हमने बी को विजिट किया, बी को स्टैक में डाल दिया, उसके बाद हमें पता चला, हमने देखा कि हम बी से एस पे जा सकते हैं लेकिन एस विजिटेड है और बी की कोई एडजेसेंट वो नहीं है वर्टेक्स, इसलिए हमने इस वाले स्टैक में से बी को पॉप किया यानी कि बी को बाहर निकाल लिया और हम चले गए सी के पास। आगे हमारे पास स्टैक जो हो गया वो हो गया डी ए एस। अभी हमने सी विजिट नहीं किया, यानी ये जो ग्रे ग्रे हो गया ना हमने इनको विजिट कर लिया क्योंकि बी का हमें कोई और मिला नहीं था एडजेसेंट वर्टेक्स, इसलिए हमने बी को वापस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन डी का एडजेसेंट वर्टेक्स ए विजिट है लेकिन सी अभी विजिट होना है, इस वजह से हमने सी को विजिट किया और स्टैक में डाल दिया। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है यानी सबसे एंड पे अब हमारे पास और कोई वर्टेक्स नहीं है, इस वजह से क्या होगा, हम सी को पॉप करेंगे, उसके बाद डी को पॉप करेंगे, उसके बाद ए को पॉप करेंगे, उसके बाद एस को पॉप करेंगे और यूं हमारी सारी जो वर्टेक्स हैं वो पॉप भी हो जाएंगी और विजिट भी हो जाएंगी। तो आपने देखा हमारे पास ये किस तरह से हुआ, सबसे पहले बी बाहर आया, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद एस, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारा ग्राफ है। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च पहली रूट को विजिट करता है, स्टैक में ऐड करता है, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स देखता है और उनको विजिट करता चले जाता है। एस विजिट किया, उसके बाद ए मिला, ए का एडजेसेंट वर्टेक्स सिर्फ डी था, डी के दो थे तो पहले वो बी पे चला गया, उसके बाद वो सी पे चला गया, लेकिन जिस पॉइंट पे उसने बी को ट्रैवर्स किया बी का उसे एडजेसेंट वर्टेक्स कोई ना मिला, उसे बी से वापस डी पे आना था लेकिन डी पहले विजिट था,
हमने यूनिविजिटेड देखने थे, इस वजह से हमने बी को पॉप करवाया, तो हमारे पास डी वाला सिर्फ बच गया, स्टैक में डी तक वैल्यू बच गई और जो सबसे ऊपर था वो डी था। तो डी से हमने देखा कि हम ए पे जा सकते हैं, लेकिन ए पहले से विजिटेड है, इसलिए हम डी से सी की जानिब अपना चले गए और हमने उसके बाद हमें कोई भी और वैल्यू नहीं मिली। इस वजह से हमने सी को पॉप करवाया, फिर डी को पॉप करवाया, फिर ए को पॉप करवाया और फिर एस को। अब क्यू में और स्टैक में क्या डिफरेंस है? क्यू यूज़ होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए और स्टैक यूज़ होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए। क्यू की जो मेथडोलॉजी है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लेकिन स्टैक की जो मेथडोलॉजी है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब है पहले सबसे पहले डेप्थ में जाओ, मीन्स जितना डेप्थ में भी जा सकते हो आप जाओ, वहाँ से ट्रैवर्स करो। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब है कि अपने फॉरेन जैसे ही नोड मिलती है एडजेसेंट नोड एडजेसेंट चिल्ड्रन को विजिट करते जाओ। तो अगर आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को एक और बार देखना हो, समझना हो, तो आप प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और उससे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ट्रीज की इम्प्लीमेंटेशन पाइथन कोडिंग के थ्रू बताई जाएगी।